एक बार की बात है, एक कस्बे में अनुष्का नाम की एक लड़की रहा करती थी। कुछ ही समय पहले उसकी शादी विराट नाम के एक लड़के से हुई थी। उस घर की मालकिन और अनुष्का की सास का नाम सरोज था। वो काफी स्ट्रिक्ट औरत थी। दूसरी ओर अनुष्का ने कभी अपने घर का कोई काम नहीं किया था। वो एक आलसी लड़की थी। एक दिन विराट सुबह सुबह उठा और बाहर निकल गया। अनुष्का तब तक सो ही रही थी। ये देखकर सरोज वहां आई और उस पर चिल्लाई, टाइम क्या हो रहा है पता भी है? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं कि जब तक चाहो सोती रहो। चलो उठो, झाड़ू पकड़ो और घर साफ करो। अनुष्का धीरे से उठी और सोचने लगी, ये तो मुझे थोड़ी देर के लिए चैन से सोने भी नहीं दे रही। नाम तो है फूल का, लेकिन बर्ताव एक कांटे सा। ये सोचकर उसने एक झाड़ू उठा ली और घर साफ करने लगी। इसी बीच सरोज वहां आई और बोली, एक घंटा हो गया तुमको झाड़ू लगाते लगाते, जल्दी काम खत्म करो। इस झाड़ू को देख रही है, कैसी है ये, टूटी हुई है, इसी वजह से सफाई नहीं कर पा रही हूं मैं। तो कुछ पैसे लेकर जाओ और नई लेकर आओ। कुछ देर बाद अनुष्का एक किराने की दुकान में झाड़ू लेने गई। बहुत सारी झाड़ूओं में से एक झाड़ू बड़ी दिलचस्प लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो कह रही है कि मुझे ले लो। वो एक जादुई झाड़ू थी। अरे ये झाड़ू बड़ी अच्छी है और कुछ नए स्टाइल की भी लग रही है, मैं इसे ही ले लेती हूँ। इस तरह सोचते हुए उसने वो झाड़ू ले ली और घर वापस आ गई। अगले दिन अनुष्का के उठने से पहले उस झाड़ू ने पूरा घर साफ कर दिया। कुछ देर बाद जब सरोज उठी तो उसे पूरा घर बेहद साफ मिला। अरे वाह, आज तो लगता है कि मेरी बहू जल्दी सुबह उठ गई, पूरा घर साफ भी कर डाला। ऐसा सोचते हुए वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद अनुष्का आलस करते हुए उठी और देखा कि पूरा घर तो साफ हो चुका है। हाँ, शायद मेरी सासू माँ को लगा कि मैं एकदम निकम्मी हूँ और खुद ही घर साफ कर लिया। पता नहीं मुझे देखकर क्या कहेंगी। तभी सरोज आई और मुस्कुराती हुई चली गई। ये क्या था, मुझे तो लगा कि मुझे कोसेंगी, लेकिन ये तो मुस्कुराई और चली गई। लगता है इन्होंने मेरे निकम्मेपन से समझौता कर लिया है। वो भी वहां से चली गई। अगले दिन अनुष्का सूरज उगने से पहले ही उठ गई। उसने झाड़ू के चलने की आवाज सुनी। अरे बापरे, लगता है मेरी सासू माँ घर साफ कर रही है। वहां गई तो नजारा देखकर हैरान रह गई। वो झाड़ू हवा में घूम घूम कर घर साफ कर रही थी। उसकी दो आंखें और एक मुंह भी था। अनुष्का को समझ नहीं आया कि ये सपना है या सच्चाई। वो तुरंत अपने कमरे में भाग गई और सोचने लगी, अल्लाह, तो बीते दिन मेरी सासू माँ को लगा था कि मैंने घर साफ किया है, इसलिए मुस्कुराई थी, लेकिन दरअसल वो काम तो जादुई झाड़ू ने किया था। अनुष्का उस झाड़ू को देखने के लिए गई। उस समय झाड़ू अपनी जगह पर खड़ी थी। वो झाड़ू को अपने कमरे में ले गई और उसे अपने सामने रखा। मुझे पता है कि तुम एक जादुई झाड़ू हो, मैंने तुम्हें काम करते अपनी आंखों से देखा है, ऐसा सब क्यों कर रही हो तुम? झाड़ू में कोई हरकत नहीं दिखाई दी। तो तुम इस तरह मुझे सच बात नहीं बताओगी? अपना मुंह तुम तभी खोलोगी जब मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। ये सुनकर झाड़ू ने अपना मुंह और आंखें खोल दी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ। एक जादूगर ने मुझे इस जादुई झाड़ू में बदल दिया। वो मुझे एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करता था, कभी कोई महत्व नहीं दिया, इसलिए मैं उससे बचकर भाग गई और तुम्हारे घर पहुँच गई। उसे बोलते देख अनुष्का खुशी से गदगद हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से दो दिन से मेरी सास मुझे ताने नहीं दे रही यार। आज से हम दोनों अच्छी दोस्त बनकर रहेंगे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तब झाड़ू बोली, ओके, लेकिन ये एक बात, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं जादुई झाड़ू हूँ। प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। इस तरह वो दोनों एक दूसरे की मदद करने लगी जब आसपास कोई नहीं होता। एक बार रामपुर नामक गांव में 100 से अधिक परिवार रह रहे थे। गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। देर शाम उन घरों से कोई बाहर नहीं निकलता था। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को एक भयानक भूतनी उस गांव में आती है। अगर वो भूतनी उस समय किसी को भी बाहर पाती तो वो उन्हें झट से उठा के ले जाती, यदि नहीं तो भूत दरवाजे पर दस्तक देती रहती और दरवाजा खोलने वाले को उठा के ले जाती थी।
जब भी भूतनी को कोई इंसान नहीं मिलता, वो गायों और बकरियों को ले जाती। गंगा नाम की एक कठोर स्वभाव की महिला अपने पति रंगा के साथ उस गांव में रह रही थी। वे गांव वाले दिन के समय गंगा से डरते थे और रात के समय भूत से। वीरैया नाम का एक 20 साल का लड़का गंगम्मा के घर में रंगैया के साथ घर का काम करता था। गांव वाले मवेशियों को नहीं पालते थे, लेकिन मैं वीरैया को इस घर में रहने की अनुमति दूंगी जब तुम गाय लाओगे, वरना हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। रंगैया उसे समझाने में असमर्थ था और पड़ोसी गांव से दो गायों को ले आया। उसने वीरैया से गायों को चराने और दूध लाने के लिए कहा। तब से वीरैया उन गायों का बहुत ध्यान रखने लगा और उन्हें बहुत प्यार देने लगा। ये सोचकर कि भूत उन गायों को उठा ले जाएगा, वीरैया पूरी रात गायों के साथ साथ गायों के शेड के अंदर ही सोता और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसके पास हमेशा एक लंबी छड़ी और एक फंदा रहता। एक दिन उस गांव में एक ऋषि आए। तब ग्रामीणों ने उनसे उन्हें भूत से बचाने की विनती की। आप सभी लोग ओ भूत कल आना, हर घर के मुख्य दरवाजे पर लिख दे, जिसे पढ़ने के बाद भूत दूसरी जगह चली जाएगी और कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर भी। इसी के साथ ग्रामीणों ने लिखा, ओ स्त्री कल आना हर घर के मुख्य दरवाजे पर। उस दिन आधी रात को आए भूत ने ओ स्त्री कल आना एक घर के मुख्य दरवाजे पर पढ़ा तो दूसरे घर चली गई। भूतनी ने पाया कि हर घर पर एक ही चीज लिखी थी और वो दूर चली गई क्योंकि उसे कोई नहीं मिला। जब यही अगले दिन भी हुआ तो भूतनी बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन गंगम्मा को नापसंद करने वाले गांव वालों ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर लिखा हुआ ओ स्त्री कल आना मिटा दिया। फिर भूतनी आधी रात को गंगम्मा के घर आई। ये देखकर कि दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा, भूतनी ने दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर गायों ने रंभाना शुरू कर दिया। जब रंगैया ये सोचकर दरवाजा खोलने गया कि भूतनी वीरैया को उठा ले जाएगी, तो गंगम्मा ने उसे रोका और कहा, अगर भूत उसे उठा ले जाता है तो हमें वीरैया से छुटकारा मिल जाएगा। रंगैया ने उसकी बातें नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। भयानक भूतनी दरवाजे पर खड़ी थी और उसने रंगैया और गंगम्मा को देखा। फिर भूत गंगम्मा को पकड़ कर ले गई। रंगैया जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद मदद। जब वीरैया जागा और बाहर देखा तो भूत गंगम्मा को पकड़ के ले जा रही थी और उसने देखा कि दरवाजे पर लिखा ओ स्त्री कल आना मिटा हुआ था। तुरंत वीरैया ने सूखी घास से दो गायों के सींग लपेटे। नहीं वीरैया, अगर उस भूतनी ने आपको मार दिया तो मैं अकेले कैसे रहूंगा। मालिक आप डरे नहीं, मैं उस भूतनी से लड़ूंगा और गंगम्मा मालकिन को घर लेकर आऊंगा। तुरंत वीरैया जंगल में चला गया। एक बड़ी गुफा थी। वीरैया वहां जाकर चिल्लाया, मालकिन मालकिन। वीरैया मैं यहाँ हूँ। इससे वो भूतनी नाराज हो गई और बोली, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर भूतनी वीरैया की तरफ आई। तुरंत वीरैया ने सूखी घास से लिपटी गायों के सींगों में आग लगा दी। तब उन गायों ने तेजी से भागते हुए अपने जलते सींगों से भूतनी पर वार किया। इसके साथ ही भूतनी वहां से भाग गई। तब वीरैया ने उस गुफा से गंगम्मा के साथ और ग्रामीणों को भी रिहा करवाया। उन सभी लोगों ने वीरैया की उन सबकी जान बचाने के लिए सराहना की और उसका धन्यवाद दिया। अरे वीरैया, एक इंसान होने के नाते मैंने आपको भूतनी की तरह सताया, लेकिन तुम जोखिम के बारे में सोचे बिना मुझे बचाने आए, बहुत दयालु हो। क्या मालकिन, आप ऐसी क्यों बात कर रही हो, मैं आपके बेटे के समान हूँ। देखा गंगम्मा, तुमने उसे कितना सताया, लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए जोखिम के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें बचाने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाया है, अपना व्यवहार कम से कम अब बदलो। तब से ग्रामीणों ने भूत से छुटकारा पाने के बाद अपने घरों के दरवाजे पर ओ स्त्री का लाना लिखना बंद कर दिया। एक बार जम्बी गांव में एक गरीब किसान चिक्का रहता था। वो जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता था और अपने परिवार को खिलाता पिलाता था। मोंटू उसका इकलौता बेटा था। चुक्का ने अपने बेटे को प्यार से, बहुत लाड प्यार से बड़ा किया और उसकी बेहद अच्छे से देखभाल की। मोंटू अब 12 साल का हो गया था। एक दिन चुक्का को बुखार था, वो कमजोरी के कारण खाट से उठ नहीं पा रहा था और मोंटू को बुलाया। मोंटू मुझे तेज बुखार है बेटा, तुम आज जंगल जाओ और लकड़ियां इकट्ठा कर लाओ। मोंटू ने पहले कभी जलाने की लकड़ी नहीं काटी थी, फिर भी वो कुछ लकड़ी के कट्टे काटकर घर ले आया। उन्हें देखकर चुक्का गुस्सा हो गया और उस पर चिल्लाया,
नालायक लड़की, तुम जलाऊ लकड़ी का इतना छोटा बंडल लेकर आए? पर्याप्त लकड़ी नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? उसने मोंटू को दो थप्पड़ लगाए। मोंटू रोने लगा और बाहर चला गया। तब चुक्का चिल्लाया, चले जाओ, अगर दोबारा आए तो पैर तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो फिर से सो गया। मोंटू अपने पिता से डर गया और जंगल की ओर चल दिया। थोड़ी देर के बाद मोंटू थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी नींद लग गई। फिर अंधेरा हो गया। उस पेड़ पर रहने वाली एक भूतनी रात में नीचे आई और उसे जगाया। ए लड़की, कौन हो तुम? इस जंगल में क्यों आए? मेरे पिता ने मुझे पीटा और भगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दोबारा घर नहीं जाना चाहिए। उसे देखकर भूत को दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें बड़ा करूंगी, चिंता मत करो। ये कहकर भूतनी ने उसे खाने के लिए कुछ चीजें दी। जब बेटा रात में भी घर नहीं लौटा तो चुक्का चिंतित हो गया। भले ही वो कमजोरी महसूस कर रहा था, फिर भी उसने गांव में मोंटू को बहुत खोजा। दिन बीत गए लेकिन मोंटू का कोई ठिकाना नहीं मिला। चुक्का दुख में अपनी जिंदगी जी रहा था और अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। भूत जंगल में अपने बेटे की तरह ही मोंटू की देखभाल करने लगी। मोंटू बिना किसी संघर्ष के सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जब भी वो अपने पिता को याद करता था तो उदास हो जाता था। इस तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन चुक्का को जंगल में हाथी का एक दांत मिला और वो उसे शहर में बेचने जाने लगा। रास्ते में उसे उस जंगल में एक युवक मिला। अरे लड़की, मेरा बेटा कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, तुमको देखकर मुझे उसकी याद आ गई। पिताजी, मैं मोंटू ही हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत चुक्का ने मोंटू को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे मेरे साथ आओ, घर चलते हैं। पहले आप मेरे साथ आइए। इतना कहते हुए मोंटू अपने पिता को बरगद के पेड़ के पास ले गया। मोंटू ने चुक्का को भूतनी से मिलवाया। इतने दिनों मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मोंटू तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उसे घर से निकाल दिया था? चुक्का बोला, हाँ, मैंने उस समय अपने बेटे को डांटा था, लेकिन ये बहुत आम है कि एक पिता अपने बेटे को डांटता है। थोड़ी देर इस बहस के बाद भूतनी बोली, मैं इस समस्या का हल निकालती हूँ। मंटू को ये तय करने देते हैं कि वो आपके साथ जाना चाहता है या यहाँ मेरे साथ रहना चाहता है, ठीक है ना मंटू? बिल्कुल ठीक है, इसी से पूछते हैं, इसकी मर्जी। तुरंत भूतनी पेड़ पर गई और एक चाकू निकाल लाई, जिसे देखकर पिता और पुत्र दोनों आश्चर्यचकित रह गए। भूतनी ने वो चाकू मोंटू को दिया। मेरी बात सुनो, अपने पिता का सर काट दो जिसने तुम्हें बचपन में घर से निकाल दिया था, या इस बरगद के पेड़ को काट दो। अगर तुम इस पेड़ को काट देते हो तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मोंटू कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और सोचने लगा। वो अपने पिता या भूतनी दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता था। थोड़ी देर बाद मोंटू ने अपना ही सर काटने के लिए चाकू उठा लिया। तुरंत चुक्का और भूतनी ने उसे रोका। तब भूतनी ने मोंटू की सराहना की और बोली, तुम बुढ़ापे में अपने पिता का ख्याल रखना और जब चाहो तब मुझे देखने यहाँ आ सकते हो। तब चुक्का ने भूतनी से कहा, तुमने मेरे मोंटू को जिस जिम्मेदारी से पाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब चुक्का ने अपने बेटे मोंटू को साथ लिया और खुशी खुशी घर चला गया।